हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल, इजी और दो बहुत ही सुंदर से हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ, जो कि आप किसी भी फंक्शन में करेंगे ना, सच में चार चांद लगा देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये आप खुद से भी अपने आप के ऊपर भी कर सकते हैं और मुश्किल से एक से दो मिनट में ये दोनों हेयर स्टाइल बनकर तैयार हो जाते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए, सबसे पहला स्टाइल जो है वो हम साइड चोटी करेंगे और मुझे साइड चोटी बहुत ज्यादा पसंद है। शादी के पहले तो मैं बहुत करती थी, पर अभी मेरे बाल पतले हो गए हैं जिसकी वजह से साइड चोटी अच्छी नहीं लगती। तो बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम लाने के लिए हम इस तरीके से साइड ब्रेड करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, साइड में एक साइड आप बाल कर लीजिए सारे। उसके बाद देखिए, नीचे की तरफ से आप दो लेयर ले लीजिए बालों की, देख सकते हैं दोनों तरफ से दो लेयर ले लीजिए। उसके बाद एक रबड़ बैंड, पतला सा रबड़ बैंड इस तरीके से लगा लीजिए, देखिए जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर से आप नीचे से दो लेयर लीजिए बालों की, ये देखिए बिल्कुल सिंपल है और बहुत इजी है। ये देखिए, फिर से हमने दो लेयर ली और फिर से देखिए एक पतला सा रबड़ बैंड के हेल्प से इसे सिक्योर कर दिया। बस इसी तरीके से हमें करना है और बाद में ना हम ये जो हमने लेयर बना रहे हैं इन्हें हम थोड़ा सा खींच लेंगे ना, तो ये थोड़ा सा फूल जाएंगे तो और वॉल्यूम आ जाएगी, तो बहुत ही खिलकर ये जो है हेयर स्टाइल आता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने फिर से लगा लिया है और लास्ट में मैंने सोचा कि अब नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा नीचे बाल ज़्यादा लंबे लग रहे थे तो मुझे लगा एक बार रबड़ बैंड और लगा लेना चाहिए। तो देखिए नीचे फिर से मैंने एक रबड़ बैंड लगा लिया है और आप चाहें तो यहाँ पर जब नीचे जहाँ पर रबड़ बैंड लगा ना, यहां पर एक रोज लगा लीजिए तो और अच्छा लुक आता है। तो ये देखिए एक रबड़ बैंड मैंने नीचे भी लगा ली है और ये देखिए अब मैं क्या करूंगी, बालों को ये देखिए इस तरीके से फुला लूंगी। देखिए एक एक लेयर पकड़कर खींच लूंगी तो ये बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाएगी, आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे कि इसे और सुंदर दिखाने के लिए ना साइड में एक रोज लगा लेंगे, एक रोज साइड में लगा लीजिए। और अगर आपके पास रोज हो ना तो यहाँ नीचे वाला जो जहाँ पर रबड़ बैंड लगाया ना, एक रोज आप यहाँ पर भी लगा लीजिए तो बहुत ही अच्छा ये लुक निकल के आता है। और आपने देखा मुश्किल से डेढ़ से दो मिनट लगे होंगे ये हेयर स्टाइल बनाने में, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए दूसरा लुक भी बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने अपने बालों में इन्हें लगाया, मतलब किया है, ऐसा लगेगा कि आपने कोई हेयर एक्सटेंशन वगैरह लगाया है। तो देखिए सिंपली यहाँ पर मैंने बीच की मांग करके पीछे सारे बालों को करके देखिए नीचे की तरफ ही मैंने एक पोनी बना ली है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए थोड़े थोड़े बाल लेंगे और उन्हें ट्विस्ट करते हुए देखिए इस तरीके से हम रोल करेंगे और जहां पर ये बाल का एंड होगा ना, वहां पर हम एक हेयर पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर देंगे और एक दो जगह पर हम जूड़ा पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर देंगे। इसी तरीके से हम तीन चार या पांच पार्ट करेंगे बालों के। तो यहाँ पर मेरे बाल थोड़े पतले हैं तो चार पार्ट ही हो रहे हैं बालों के। तो देखिए इस तरीके से दूसरा पार्ट भी मैंने लिया, ट्विस्ट किया, उसके बाद देखिए इस तरीके से घुमाते हुए हमने जो उसका एंड पार्ट होता है हेयर का, जहाँ पे मतलब खत्म होते हैं, वहां पर हम एक हेयर पिन लगा लेंगे और हर जगह हम दो तीन जगह पर इसे जूड़ा पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। तो इसी तरीके से मैंने देखिए चारों लेयर की रोल करते हुए टक कर लिया है, आप देख सकते हैं। और सच में ये वाला लुक ना बहुत ही अच्छा निकल कर आया था। और आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि ये खुलेगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, क्योंकि काफी जगह हमने इसे जूड़ा पिन से सिक्योर किया है और इसमें रोज लगा लेंगे तो ये और सुंदर लगेगा। और देखिए अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देख रही हूँ हस्बैंड ने पिन लगाई है, कितनी गंदी लगाई है। तो कैसा लगा मेरा ये हेयर स्टाइल, दोनों हेयर स्टाइल में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।